वेस्टर्न सिडनी अंतर्राष्ट्रीय नैन्सी बर्ड वॉल्टन हवाई अड्डे का शुभारंभ 2026 के अंत में होना निर्धारित है और यह क्षेत्र में रोमांचक नए अवसर लाएगा। नए हवाई अड्डे के प्राथमिक उड़ान मार्ग विकसित किए गए हैं और ऑस्ट्रेलियाई सरकार ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव वक्तव्य की जन प्रदर्शनी के दौरान इन उड़ान पथों पर समुदाय से फीडबैक लेगी। उड़ान पथ विकसित करते समय डिज़ाइन टीम कई प्रकार के कारकों द्वारा निर्देशित होती है। एक महत्वपूर्ण कारक सिडनी के अन्य हवाई अड्डे और आस पड़ोस के एयर स्पेस हैं। ग्रेटर सिडनी का एयर स्पेस दक्षिण में सदरलैंड और बार्गो के बीच के क्षेत्र को, उत्तर में सेंट्रल कोस्ट को और पश्चिम में माउंट विक्टोरिया को शामिल करता है। ग्रेटर सिडनी के ऊपर की एयर स्पेस ऑस्ट्रेलिया में सबसे व्यस्त एयर स्पेस है। क्षेत्र में एक से अधिक हवाई अड्डे संचालन करते हैं और उनके अलग अलग उड़ान पथ और प्रक्रियाएँ हैं। इनमें सिडनी, किंग्सफोर्ड स्मिथ, कैमडन और बैंक्सटाउन शामिल हैं। आपातकालीन सेवाएं और RAAF बेस रिचमंड, हॉल्सवर्दी आर्मी बेस तथा ऑर्चर्ड हिल्स डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जैसी सीमित एयर स्पेस भी ये निर्धारित करते हैं कि हवाई जहाज कहां यात्रा कर सकते हैं और कहां नहीं। इसके अतिरिक्त उड़ान पथों को पश्चिम में ग्रेटर ब्लू माउंटेन्स, विश्व विरासत क्षेत्र जैसे पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि सिडनी एयर स्पेस पेचीदा है, WSI के लिए 2016 के पर्यावरणीय प्रभाव वक्तव्य ने यह पाया कि इस व्यस्त एयर स्पेस में WSI के लिए नए उड़ान पथों को सुरक्षित रूप से शामिल करने के लिए पर्याप्त क्षमता थी। इस वर्ष में आगे चलकर आप ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव वक्तव्य प्रक्रिया के दौरान प्रारंभिक उड़ान पथों पर फीडबैक प्रदान करने में सक्षम होंगे। आपकी टिप्पणियां विस्तृत डिज़ाइनों के लिए उड़ान पथों को परिशोधित करने में सहायता करेंगी। और अधिक जानकारी के लिए ये वेबसाइट देखें, WSIflightspaths.gov.au।